Hi friends, welcome back to my channel. I hope you are enjoying all my videos. Thanks to all my subscribers जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए. आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड रेसिपी. एक्चुअली ये कोई मेन कोर्स नहीं है, ये है एक साइड डिश जो आपके बोरिंग खाने को भी बहुत ही मजेदार बना देगी. और ये आप बना सकते हो 1 मिनट में. यस, सो ये है एक्चुअली महाराष्ट्रियन स्टाइल, महाराष्ट्रियन स्पेशल ठेचा, मिर्ची का ठेचा. सो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है और इसे बना लेते हैं विद इन अ मिनट. सो ठेचा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो यही है, लहसुन, ग्रीन चिलीज, ये थोड़े से तीखे वाले मैंने लिए हैं. अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम तीखे वाले चिलीज ले सकते हैं. यूजुअली ठेचा थोड़ा तीखा ही होता है. देन आपको लगेंगे पीनट्स, दैट इज सिंगदाना, नमक, कोथिंबीर एंड थोड़ा सा जीरा. सो इंग्रेडिएंट्स रेडी है, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमें ये ठेचा बनाना है 1 मिनट के अंदर. इसे निकाल लेते हैं एक सेपरेट बोल में. इसी के साथ हम डाल लेंगे इसमें जीरा. सो हमारा भूनने वाला पार्ट तो हो गया है, अभी हमें उसे ग्राइंड करना है. Usually इसमें किया जाता था कूट के, इसलिए इसे ठेचा कहते हैं. बट बिकॉज हमारे पास मिक्सी है तो हम इसे फटाफट बना लेते हैं मिक्सी में. चिलीज और लहसुन, ऐसा कोथिंबीर डालेंगे, धनिया, पीनट, सिंगदाना, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. को हम कंटिन्यूसली नहीं चलाएंगे, हम उसे ऑन ऑफ करते हुए, बिकॉज हमें कोर्स चाहिए, एकदम फाइन पेस्ट नहीं चाहिए. सो सी दिस इज रेडी. इसमें हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल. अगर आपके पास पीनट ऑयल या फिर सिंगदाने का तेल है तो इट विल बी मच बेटर, बट मेरे पास वो नहीं है, मैं मेरा रेगुलर ऑयल यूज कर रही हूँ. दैट्स इट, हमारा ठेचा इज रेडी. नाउ यू कैन एंजॉय दिस विथ भाकरी, पिटला या फिर आपका नॉर्मली जो भी खाना है आप उसके साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं. सो हमारा ठेचा इज रेडी इन 1 मिनट. अगर ये आपको 1 मिनट रेसिपी पसंद आया है तो जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसे लगा. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना. टिल देन वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड एंड लव योर पेरेंट्स एंड कीप वॉचिंग.